हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार कश्यप यूट्यूब के माध्यम से मेडिसिन प्लांट चैनल इंडिया पे आज हम लोग औषधीय वनस्पति गोक्षुर के बारे में जानकारी लेते हैं। गोक्षुर देखिए क्या होता है, बहुत ही दिव्य औषधि है। इसका ज़्यादा उपयोग पथरी में किया जाता है। और क्या है, मैं इसकी पहचान करा दे रहा हूँ और इसके बारे में जो और भी परिचय हैं उसके वो भी करा दे रहा हूँ, ताकि हम कम से कम ये हो जाए कि अगर हमारे चैनल के माध्यम से जो प्रकृति प्रेमी हैं, जिन जो पर्यावरण के प्रति अपना सजग समय देते हैं, उनके लिए कम से कम ये रहेगा कि मेरे को सहयोग मिल जाएगा वो लोग प्रति, और कम से कम धरती पर ऐसे वनस्पतियाँ विलुप्ति के कगार पे नहीं जाएंगे। देखिए मित्रों, आज का हमारा जो रहा वो है गोक्षुर। देखिए गोक्षुर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए मित्रों, ये जो छोटे चने चने के चने के पत्ते जैसे दिख रहे हैं, मैं अगर तोड़ दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखिए इस टाइप से लगती होती हैं, है ना। दो चार टाइप के बहुत सारे यहाँ वनस्पतियाँ हैं, तो थोड़ा समझ में नहीं आ पाएगा। और क्या कि मेरे चैनल के माध्यम से बहुत सारा कमेंट होता है, क्या है कि कोई बॉटनी के वनस्पति शास्त्र के जो और भी मित्र होते हैं वो लोग कमेंट करते हैं, तो मेरे को अच्छा लगता है, कम से कम मैं कमेंट को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। देखिए सबसे बड़ी खासियत इसके जो पत्ते होते हैं वो चने के पत्ते के जैसे होते हैं। ये देखिएगा मैं दिखा दे रहा हूँ चने के पत्ते, ये देखिए ठीक है, ये जो जिंदा लते हैं है ना, ये मैं गौर से दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए ये रहा है ना। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका ट्राकाई बुल्स, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इसका वैज्ञानिक नाम है ट्राकाई बुल्स टेरेस्ट्रिस, ट्राकाई बुल्स टेरेस्ट्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है ना। मान लीजिए आप अगर नेट में सर्च करते हैं तो आपको कम से कम मिले। देखिए ये पूरे जो चने के जैसे जो दिख रहे हैं ये आपके गोक्षुर है। और गोक्षुर की जो खास बात होती है कि 2 से 3 फीट ये लताएं जैसे होती हैं, है ना, चने के पत्ते की तरह इसके कांटेदार होते हैं। देखिए मैं अभी दिखा दे रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ अभी दिखा भी दे रहा हूँ, ये जो होते हैं ये चने के पत्ते जैसे इसके चने होते हैं। और ये जो बोल रहा है कि इसकी जो ये तने जो होते हैं वो हल्का सा नीली टाइप से होती है ना, नीली से ऐसे होती हैं, अपने आकार बदल लेगा, क्योंकि छोटा पौधा है तो एक कम दिखेगा, और बाकी जब अपने से सर्च करिएगा तो देखिए नीली दिख रही है ना चने के पत्ते जैसे, वो इसकी खासियत है ठीक है। और शाखा नीली बैगनी इस तरीका से रहेंगी, इसकी पहचान है, चने के पत्तियाँ रहेंगी और हल्का सा कांटे होते हैं इसमें खुरदरे, देख लीजिए कभी भी। और गोक्षुर इसको क्यों बोलते हैं कि गौ का जो खुर होता है उसमें ये फंस जाता है, और पुराने ज़माने में इसलिए इसका नाम गोक्षुर दे दिया गया है। अब देखिए बहुत सारे इसका नाम है, संस्कृत में इसको इक्षु गंधिका बोलते हैं, मतलब ईख के समान गंध वाला। अगर इसको आप देखते हैं गौर से तो ईख के समान गंध वाला ये आपको ऐसे हाथ में रगड़िएगा चाहे गंध करिएगा, तो जो गन्ना या ईख जो ग्रहण किए खाए होंगे ज़िंदगी में वो अपने आप को समझ जाएंगे कि भाई इसका ऐसा स्वाद है। और इसका भी ये देखिए ये है, फिर से दिखा दे रहा हूँ ताकि चने के पत्ते से पूरे हो जाए। ये देखिए ये वनस्पतियाँ हैं, मैं जिसको पकड़ रहा हूँ वो है ना, ये बाकी घास नहीं, ये देखिए, ये देखिए है ना, ये है चने के पत्ते जैसे पूरे पत्ते हैं 100%। और इसको जो भी रिसर्च करते हैं क्षेत्र में, अगर मेरे से क्या है कि जैसे मैं भी रिसर्च करता हूँ तो बहुत सारे लोग जानकार लोगों से जानकारी लेते हैं, फिर फील्ड में उतरता हूँ है ना। तो अब इसका देखिए मैं वैज्ञानिक नाम फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, ट्राइकाइबुल्स टेरेस्ट्रिस है ना, इसका नाम गोक्षुर है मित्रों। और देखिए इसका जो होता है उपयोग, कौन सा अंग उपयोग करना चाहिए, इसमें है मूल मतलब जड़ तना और पंचांग, मतलब पंचांग इसका फूल पत्ती और जड़ तना भी प्रयोग कर सकते हैं। पंचांग के अवधि इसका 1 वर्ष रहता है, जो गुण है इसका रोग की क्षमता को मतलब शारीरिक क्षमता को बढ़ाए, रोग दूर करे ऐसा करके। तो और इसमें जो है कौन से बीमारी में उपयोग होता है और वो भी मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन इसकी पूरी पहचान पहले मैं करा दे रहा हूँ ठीक है। अब सेकेंड में रहा कि इसका जो सिद्धांत है मित्रों है ना, तो इसका सिद्धांत क्या होता है कि इसको अगर आप यूनानी भाषा में खोजें, जो यूनानी चिकित्सक होंगे जो आयुर्वेद से और यूनानी एक समान जैसे होते हैं, हल्का सा फर्क पड़ता है ठीक है, उसको खारे खसक या खरे सहगोश के नाम से जानते हैं यूनानी भाषा में इसको, जो यूनानी वैद्य होते हैं आयुर्वेद वैद्य जैसे होते हैं यूनानी वैद्य होते हैं उस प्रकार से लोग है ना। और इसका जो उपयोग किया जाता है वैज्ञानिक उपयोग, कहने मतलब कि इसका जो शोधकर्ता लोग उपयोग करते हैं, जो पेंटेड बनती है दवा बनती है या जड़ी बूटी के उपयोग से है ना जानकार में, उसका जो है मित्रों ये है, देखिए इसमें पुष्प भी है ना, इसके पुष्प की भी पहचान देख लीजिएगा है ना,
ये उसकी पुष्प हैं, हल्के से पुष्प आएंगे, ये है ठीक है। और अब इसकी जो बीमारियां हैं, जिस बीमारियों में प्रयोग किया जाता है वो मैं बोल दे रहा हूँ, है ना। देखिए क्या है, फिर से इसका मैं वैज्ञानिक नाम बोल दे रहा हूँ, ट्राइकाइबुल्स टेरेस्ट्रिस, है ना। चने के पत्ते के जैसे पत्ते होते हैं, खास पहचान है। अब बैंगनी जैसे की तना होगी, 2 से 3 फीट ही होगा, है ना। जलीय वाले क्षेत्र पर पाया जाता है, जहाँ पानी वानी हो, है ना। और क्या बोलते हैं, इसका जो औषधीय गुण जो होता है वो 1 वर्ष का होता है। अब मैं इसके बारे में उपयोग बता दे रहा हूँ कि कौन सी बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है ना। इसका उपयोग किया जाता है पथरी में, पथरी जो जिसको स्टोन की बीमारी होती है, या पथरी होती है कहीं भी, किडनी में होती है, हार्ट में हो जाती है, ऐसा होकर के पेट वेट में, ठीक है ना, गलत खान पान की वजह से, है ना। अब देखिए क्या होता है, सुजाक, अगर कहीं सूजन हो जाता है, मांसपेशियों मास्कुलर पेन, मतलब मांसपेशियों का दर्द होता है, जो मास्कुलर पेन, उसमें भी सुजाक में भी सूजन जो होती है, मोच में भी, उसमें भी काम काम होता है। प्रजनन अंग कहने का मतलब, बहुत सारे माताएं बहनों का ऐसा होता है कि शारीरिक क्षमता कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, जिस वजह से वो मतलब कि कहने का मतलब कि मातृत्व का सुख नहीं भोग पाते हैं। ऐसा ऐसा अवस्था में क्या है कि ये भी बहुत ही दिव्य औषधि है ना। और मतलब प्रजनन अंगों के, प्रजनन जो अंग होते हैं स्त्रियों के, वो उनके लिए भी बलवर्धक औषधि है ना, और वीरवर्धक भी है औषधि। ये गुप्त रोगों के लिए जो खास तौर पर ज़्यादा आजकल कहीं नेट में कहीं खोज लीजिए, इस टाइप से नहीं होगी, नीम हकीम मतलब घूमे फिर रहते हैं बिना जानकारी के अभाव में, और आदमी पैसा बर्बाद करते रहता है। तो कम से कम हम कुदरत जो हमको शरीर दिया है, उस हिसाब से हम अपने आप को कवर करें, और कुदरती शरीर को हम कुदरती आयुर्वेद और जड़ी बूटियों को दें, ताकि कम से कम हमारे जो एक्टिवेशन हो वो पूर्ण होवे। क्योंकि मैं एलोपैथी के बारे में एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि एलोपैथी में एक विधान है कि अगर वो किसी बीमारी के लिए लीजिए तो एक बीमारी ख़त्म करके दूसरी बीमारी को चालू कर देता है, ऐसा एलोपैथिक में विधान है। आयुर्वेद में ऐसा कोई विधान नहीं है, वो केवल रोग को ही नष्ट करता है। मेरा चैनल के माध्यम से दिया हुआ जानकारी अगर आपको पसंद आवे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।